हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, अपन संघ मोलस्का के जो प्राणी थे उनके आर्थिक महत्व के बारे में लास्ट क्लास में अध्ययन किया था। उनके लाभदायक और हानिकारक महत्व हमने पढ़ लिया था। लाभदायक महत्व में हमने पढ़ा था कि जो यूनियो या जो सीपी है, इस यूनियो या सीपी के द्वारा मोती प्राप्त किया जाता है। और मोती कैसे प्राप्त करते हैं या मोती प्राप्त करने की जो क्रिया है उसे बोलते हैं मुक्ता संवर्धन। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है मुक्ता संवर्धन या पर्ल कल्चर। देखिए, सीपी को समुद्रों से पकड़ करके उनका संवर्धन करके, सीपी को समुद्रों से पकड़ करके तथा उसका संवर्धन करके उससे मोती प्राप्त करना या मोती प्राप्त करने से संबंधित जो उद्योग है उसे मुक्ता संवर्धन के नाम से जानते हैं। सीपी को समुद्रों के किनारे से समुद्रों से पकड़कर तथा उसका संवर्धन करके उससे मोती प्राप्त करने से संबंधित जो उद्योग होता है उसे ही मुक्ता संवर्धन के नाम से जाना जाता है। लेकिन मुक्ता संवर्धन है, इसके अंदर अपने को क्या प्राप्त हो रहा है? मोती। जो मुक्ता संवर्धन है, मुक्ता उद्योग है, वो किस लिए किया जाता है? मोती प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो मोती है या मुक्ता, मोती या जो मुक्ता है, ये एक बहुमूल्य, यह एक बहुमूल्य व शुभ रत्न होता है। मोती या मुक्ता बहुमूल्य व शुभ रत्न होता है जो श्वेत चमकीले व गोलाकार आकृति का होता है। मुक्ता या मोती है ये अत्यधिक बहुमूल्य व शुभ होता है जो श्वेत चमकीले रंग का व गोलाकार आकृति का होता है। आगे देखो, जो मुक्ता है या मोती है ये ओएस्टर सीपी के द्वारा ही मुक्ता या मोती है इसका निर्माण किया जाता है। ऐसे कह सकते हैं ओएस्टर सीपी ही मुक्ता या मोती को निर्मित करती है। जापान एक ऐसा देश है, या फिर ऐसे कह सकते हैं जापान के अंदर सबसे पहले मुक्ता उद्योग की स्थापना की गई थी। जापान है, जापान में ही सबसे पहले मुक्ता उद्योग, जापान में ही सबसे पहले मुक्ता उद्योग की स्थापना की गई थी, जहां पर जापान के अंदर एक कोकीची मिकी मोटो नामक एक व्यक्ति ने 1890 में एक छोटे से टापू पर सबसे पहले मुक्ता उद्योग की स्थापना की थी। मुक्ता उद्योग है ये इसकी सबसे पहले जो शुरुआत है वो जापान से मानी जाती है। और जापान के अंदर कोकीची मिकोमोटो ने सन 1890 में एक छोटे से टापू पर सबसे पहले मुक्ता उद्योग की स्थापना की थी या मुक्ता उद्योग स्टार्ट किया था। इसी कारण जो कोकीची मिकोमोटो है इसे मुक्ता उद्योग का जनक कहा जाता है।
होकिची मिकिमोटो ने ही सबसे पहले मुक्ता उद्योग की स्थापना की थी और इसी कारण इसे मुक्ता उद्योग का जनक भी कहते हैं। यह फादर ऑफ पल स्टैंडर्ड फादर ऑफ पल इंडस्ट्री है, ये होकिची मिकिमोटो को कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी सामान्य से बात पर मुक्ता उद्योग या मुक्ता संवर्धक होता क्या है, सबसे पहले शुरुआत कहां पर हुई थी, किसके द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट आता है भारत में मुक्ता उद्योग, भारत में मुक्ता उद्योग, भारत के अंदर सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम 1972-73 ईस्वी में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा 1972-73 में मुक्ता उद्योग की योजना प्रारंभ की गई थी। भारत के अंदर सन 1972-73 में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा सबसे पहले मुक्ता संवर्धन की मुक्ता उद्योग की योजना प्रारंभ की गई थी। वर्तमान के अंदर अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में भारत में जो मुक्ता उद्योग है, भारत में जो मुक्ता उद्योग है ये गुजरात गुजरात के जामनगर गुजरात के जामनगर के सिक्का स्थान गुजरात के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जामनगर, गुजरात राज्य है, इसके एक डिस्ट्रिक्ट जामनगर के अंदर जो सिक्का नामक स्थान है वहां पर वर्तमान में मुक्ता उद्योग संचालित है। ठीक है, तो वर्तमान के अंदर भारत में मुक्ता उद्योग है वो गुजरात के जामनगर के सिक्का स्थान पर संचालित है। अब भारत के अंदर बात आती है कि जो भारत में जो सीपी है वो कहां से प्राप्त की जाती है या सीपी है वो कहां से पकड़ी जाती है, तो भारत में मुख्यतः कच्छ की खाड़ी, भारत में मुख्यतः कच्छ की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी से सीपी को पकड़ा जाता है या मोती बनाने वाली जो सीपियां हैं उन सीपियों को भारत में कच्छ की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी से पकड़ा जाता है या एकत्रित किया जाता है। ठीक है, तो 1972-73 में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा सबसे पहले योजना बनाई गई और जो वर्तमान में है गुजरात के जामनगर के सिक्का नामक स्थान में जो मुक्ता उद्योग है वो संचालित है, जो सीपी है वो भारत में कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से इनको एकत्रित किया जाता है या पकड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है मोती बनाने वाली या मुक्ता बनाने वाली सीपी, यानी कौन कौन सी जो सीपी है जिनके द्वारा मुक्ता या मोती का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगर मोती की बात करें तो जो मोती है वो सबसे श्रेष्ठ मोती है वो लिंगा मोती होता है, मोतियों के अंदर भी सबसे जो श्रेष्ठ मोती है वो लिंगा मोती होता है और ये लिंगा मोती है ये पिंग टेड़ा मरे टेनसाई, पिंग टेड़ा मरे टेनसाई व पिंग टेड़ा मारगेरी, पिंग टेड़ा मारगेरी मारगेरी ईटी फेरा, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मोती है वो लिंगा मोती होता है और यह लिंगा मोती है
ये सीपी की पिंटेडा मरेटेंसाई व पिंटेडा मारगेरी ईटी फेरा जो जातियां हैं उनसे यह मोती प्राप्त होता है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत के अंदर वर्तमान में 4 ऐसी जातियां पाई जाती हैं जिनसे मोती प्राप्त किया जाता है। इन भारत में टोटल 4 जातियां हैं, इन 4 जातियों के द्वारा मोती प्राप्त किया जाता है। देखो नंबर 1 पिंटेडा वल्गेरिस जो जाति है इससे भी भारत में मोती प्राप्त किया जाता है। दूसरी है पिंटेडा इंडिका। नंबर 3 पिंटेडा फ्यूकेरा व लास्ट है नंबर 4 पिंटेडा चिमिनीज। ठीक है, तो ये 4 जातियां ऐसी हैं, इन 4 सीपी की जातियों से भारत के अंदर मोती प्राप्त किया जाता है या मोतियों का निर्माण किया जाता है। पिंटेडा वल्गेरिस, पिंटेडा इंडिका, पिंटेडा फ्यूकेरा व पिंटेडा चिमनी जो जाति है इनके द्वारा भारत में मोती प्राप्त किया जाता है। ठीक है तो बेटा नेक्स्ट आता है कि मोती है, इन मोती के अंदर ऐसी कौन सी संरचना सीपी है, इन सीपियों के अंदर ऐसी कौन सी संरचना होती है जिनके द्वारा हमें मोती प्राप्त होता है। तो अगला अपना टॉपिक होगा सीपी में मोती निर्माण करने वाली संरचना। सीपी में यूनियों या सीपी में मोती निर्माण करने वाली संरचना, जो मोती है इस मोती का निर्माण सीपी के द्वारा किया जाता है और सीपी के अंदर ऐसी कौन सी संरचना है जिनके द्वारा मोती का निर्माण होता है, सीपी के अंदर ऐसी कौन सी संरचना है जिनसे मोती का निर्माण होता है। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था यूनियो या सीपी का जो कंकाल है स्केलेटन के बारे में हमने पढ़ा था। अब जो सीपी है इसकी जो कंकाल है या कंकाल की जो संरचना है वो द्विपालित होता है या 2 कपाटों से सीपी है ये घिरी हुई होती है। यूनियो या जो सीपी है उसका जो बाह्य कंकाल है वो 2 कपाटों से मिलकर के बना हुआ होता है जिसे अपन सीपी का कवच बोलते हैं। तो सीपी का जो कवच है, सीपी के चारों ओर उपस्थित जो कवच होता है, इस कवच के अंदर की ओर परवार झिल्ली, इस कवच के अंदर की ओर परवार झिल्ली पाई जाती है। और बेटे ये जो परवार झिल्ली है ना, ये परवार झिल्ली उपकला कोशिकाओं, ये परवार झिल्ली उपकला कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है। सीपी के कवच के अंदर की ओर परवार झिल्ली पाई जाती है और ये परवार झिल्ली उपकला कोशिका के द्वारा निर्मित होती है। परवार झिल्ली की जो उपकला कोशिका है इनके द्वारा ही एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्राव किया जाता है। परवार झिल्ली की जो उपकला कोशिका है इनके द्वारा एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्राव किया जाता है जिसे नेक्रे कहा जाता है। इन परवार झिल्ली की कोशिकाओं द्वारा स्रावित जो रासायनिक पदार्थ है
वो नेक्रे कहलाता है। और इसी नेक्रे के द्वारा, इन कोशिकाओं के द्वारा जो श्रावित पदार्थ है वो नेक्रे है, और इसी नेक्रे के द्वारा, ये जो नेक्रे है इसी नेक्रे के द्वारा ही सीपी के अंदर मोती का निर्माण होता है, मोती या मुक्ता का निर्माण होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो सीपी का जो कवच है वो किन किन संरचनाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये सीपी का जो कवच है, उन सीपी के कवच के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? तो सीपी के अंदर जो पाई जाने वाली संरचनाएं हैं उसमें नंबर एक आता है फेरी ओस्ट्रिक्रम लेयर या परिकवच स्तर, परिकवच स्तर। सीपी का जो कवच है उसके सबसे बाहर की ओर, सीपी के कवच के सबसे बाहर की ओर एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसे पेरी ओस्ट्रिक्रम लेयर या परिकवच स्तर कहा जाता है। ये जो परिकवच स्तर है या पेरी ओस्ट्रिक्रम लेयर है ये एक विशेष पदार्थ कोंचियोलिन से निर्मित होता है। ये परिकवच जो स्तर है ये विशेष पदार्थ कोंचियोलिन के द्वारा निर्मित होता है, और यह स्तर सबसे बाहर की ओर होता है और यह कठोर होता है, इसके कारण यह योनियों की या सीपी की सुरक्षा करने का कार्य करता है। सेकंड आता है प्रिज्मी स्तर, प्रिज्मी स्तर। ठीक है, पेरी ओस्ट्रिक्रम लेयर के अंदर की ओर, जो पेरी ओस्ट्रिक्रम लेयर है ये सबसे बाहर की ओर हो गया, इससे अंदर की ओर उपस्थित होता है प्रिज्मेटिक लेयर या प्रिज्मी स्तर उपस्थित होता है। और ये जो प्रिज्मेटिक लेयर है या प्रिज्मी स्तर है कैल्शियम की प्लेटों के द्वारा निर्मित होता है। प्रिज्मी जो स्तर है यह कैल्शियम की प्लेटों के द्वारा निर्मित होता है। और तीसरा जो स्तर है वो है नेक्रियस, नेक्रियस या परल लेयर, ये इसको मुक्ता स्तर भी कहते हैं। सीपी के अंदर जो सबसे अंदर की ओर जो स्तर है वो नेक्रियस या परल लेयर कहलाता है, इसको मुक्ताभ स्तर भी कहा जाता है। नेक्रियस लेयर को, नेक्रियस लेयर को पल ऑफ मदर, पल ऑफ मदर भी कहा जाता है। अब जो नेक्रियस लेयर है इसको पल ऑफ मदर या मोती की माता क्यों कहते हैं? क्योंकि नेक्रियस लेयर ही वह स्तर होता है जिसके द्वारा जो विशेष रासायनिक पदार्थ जो नेक्रे है इसका स्रावित किया जाता है, यानी मोती निर्मित करने वाला जो रासायनिक पदार्थ नेक्रे है उसका स्राव है वो नेक्रियस या पल लेयर के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको पल ऑफ मदर के नाम से भी इस स्तर को जानते हैं। और सबसे अंदर की ओर उपस्थित होता है मेंटल, यहां तक कवच स्टार्ट, सॉरी जो कवच का आवरण है ये कवच यहां तक समाप्त होता है, और इस कवच के अंदर की ओर ये कवच है, इसे तीन स्तरों के अंदर है, एक तो पेरी ओस्ट्रिक्रम लेयर, सेकंड प्रिज्मेटिक लेयर और थर्ड है नेक्रियस लेयर। अब कवच की संरचना के अंदर जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कवच के अंदर की ओर पाई जाती है परवार झिल्ली, ठीक है, तो इस कवच के अंदर की ओर उपस्थित होता है मेंटल, और मेंटल के अंदर ही मोती का निर्माण या परवार झिल्ली है इसके द्वारा ही मोती का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो हो गई अपने जो सीपी का कवच है उसकी संरचना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मोती निर्माण, यानी ये तो वो स्थान हो गया जहां पर मोती का निर्माण होता है।
अब मोती का निर्माण सीपी के अंदर होता कैसे है? जो मोती है उसका निर्माण सीपी के अंदर होता कैसे है? तो अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा मोती निर्माण। मोती निर्माण, देखिए बेटा सीपी के अंदर जो मोती निर्माण की प्रक्रिया है, सीपी के अंदर जो मोती निर्माण की प्रक्रिया है यह बाह्य कारकों से या फिर बाह्य कारक जैसे शैवाल व मिट्टी के जो कण है। तो सीपी के अंदर जो मोती निर्माण की प्रक्रिया है ये बाह्य कारक जैसे शैवाल व मिट्टी के कण, इनके प्रति या इनसे बचने के लिए एक सुरक्षात्मक विधि होती है, एक सुरक्षात्मक विधि होती है। यानी सीपी में जो मोती का निर्माण होता है या मोती निर्माण की प्रक्रिया है वो उसके अंदर प्रवेश करने वाले जो बाह्य कारण जैसे शैवाल या मिट्टी है या और भी कोई कारक हो सकते हैं, उन कारकों से या उन कारकों के प्रति बनने वाली एक सुरक्षात्मक विधि होती है, इनसे बचने के लिए एक सुरक्षात्मक विधि होती है। यानी मोती निर्माण की प्रक्रिया है वो सीपी को बाह्य कारकों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। अब बात करते हैं कि मोती का निर्माण होता कैसे है। देखिए जब कोई बाह्य कारक जो मोती निर्माण की क्रिया है वो सीपी के अंदर होती कैसे है, जब कोई बाह्य कारक, मान लीजिए ये कोई बाह्य कारक है, यह बाह्य कारक सीपी के परवार गुहा में, सीपी के जो परवार गुहा या मेंटल लेयर होते हैं इसके अंदर प्रवेश करता है, तो इस स्तर के अंदर उपस्थित उपकला कोशिकाएं, इस स्तर के अंदर उपस्थित जो उपकला कोशिकाएं हैं इस बाह्य कारक को चारों ओर से आवृत कर लेती हैं। जब कोई बाह्य कारक है ये बाह्य कारक सीपी के परवार गुहा में प्रवेश करता है तो परवार गुहा की जो उपकला कोशिकाएं हैं ये उपकला कोशिकाएं इस बाह्य कारक को चारों ओर से आवृत कर लेती हैं, ठीक है। अब उसके बाद यानी इसको आवृत करने के बाद इन उपकला कोशिकाओं के द्वारा एक विशेष पदार्थ या एक विशेष रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है जिसे नेक्रेन कहा जाता है। अब ये जो नेक्रेन है इस बाह्य कारक के चारों ओर अनेक परतों का निर्माण करता है। उपकला कोशिकाएं हैं ये विशेष रासायनिक पदार्थ नेक्रे का स्राव करती हैं और नेक्रे है इस बाह्य कारक के चारों ओर अनेक परतों का इसके द्वारा निर्माण किया जाता है और इस प्रकार से यानी नेक्रे इसके चारों ओर जमा होता रहता है, परतों के रूप में इसके चारों ओर जमा होता जाता है। अब इस प्रकार से जो निर्मित गोलाकार संरचना होती है, इस प्रकार जो निर्मित गोलाकार संरचना या श्वेत रंग की संरचना होती है वही की मोती कहलाती है और मोती के अंदर अधिकांश भाग है वो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, यानी 90% मोती के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित होता है, ठीक है। एक बार दोबारा देखना मोती निर्माण की विधि कैसे है, मोती निर्माण कैसे होता है। जो सीपी के अंदर मोती निर्माण की प्रक्रिया है वो उसमें प्रवेश करने वाले बाह्य कारकों जैसे शैवाल मिट्टी आदि के प्रति एक सुरक्षात्मक विधि होती है या उन बाह्य कारक से बचने के लिए सीपी के अंदर एक सुरक्षात्मक विधि होती है, ठीक है। और मोती निर्माण है वो होता कैसे, यह प्रक्रिया चलती कैसे,
जब कोई बाह्य कारक सीपी के परवार गुहा में प्रवेश करता है तो परवार गुहा की जो कोशिकाएं हैं, परवार गुहा की जो उपकला कोशिकाएं हैं, ये इसको इसके चारों ओर से आवृत कर लेती हैं। आवृत करने के पश्चात इन कोशिकाओं के द्वारा विशेष रासायनिक पदार्थ नेक्रे का स्राव किया जाता है। अब ये नेक्रे इस बाह्य कारक के चारों ओर, ये नेक्रे इस बाह्य कारक के चारों ओर परतों के रूप में या परतों का निर्माण करता है, परतों के रूप में जम जाता है। अनेक परतें इस कारक के बाह्य कारक के चारों ओर जम जाती है जिससे एक गोलाकार श्वेत रंग के संरचना का निर्माण होता है और इस गोलाकार श्वेत रंग की संरचना को ही पल या मोती या मुक्ता कहा जाता है और मुक्ता के अंदर अधिकांश भाग है वो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। कह सकते हैं कि मुक्ता में 90% है वो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो इस प्रकार से सीपी के अंदर मोती या मुक्ता का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मुक्ता संवर्धन की। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मुक्ता या मोती संवर्धन, मुक्ता संवर्धन। मुक्ता संवर्धन में अनेक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, अनेक तकनीकें हैं वो मोती उद्योग के अंदर मुक्ता संवर्धन के अंदर उपयोग में ली जाती हैं। जैसे नंबर एक आते हैं सीपियों सीपियों को एकत्रित करना, सीपियों को एकत्रित करना। देखो मुक्ता संवर्धन के अंदर जो सबसे पहले किया जाने वाला कार्य होता है वो सीपी को एकत्रित करना होता है। जो मुक्ता संवर्धन है इसमें सर्वप्रथम जो सीपी है इन सीपियों को ही एकत्रित किया, एकत्रण इनका किया जाता है। इसके लिए नाव की सहायता से उन स्थानों पर जाया जाता है जहां पर नाव की सहायता से समुद्र में उन स्थानों पर जाया जाता है जहां पर अपने को सीपियां पाई जाती हैं, यहां पर या ऐसे कह सकते हैं कि समुद्र के उन स्थानों पर जाते हैं जहां पर सीपियां उपस्थित होती हैं। वहां पर पहुंच करके जो गोताखोर है, गोताखोर, ये गोताखोर समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं और एक बार में नीचे जाकर के एक बार में 2 से 10 सीपी पकड़ते हैं, एक बार में 2 से 10 सीपी लेकर के आते हैं। यह जो प्रक्रिया है ये गोताखोरों के द्वारा बार बार दोहराई जाती है और अधिकतर जो सीपियां हैं या अधिक मात्रा के अंदर जो सीपी हैं उनको एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, अब जापान के अंदर ये कार्य यानी सीपियों को एकत्रित करने का कार्य या सीपियों को पकड़ने का जो कार्य है ये लड़कियों के द्वारा किया जाता है। जापान में
सीपी को पकड़ने का जो कार्य है लड़कियों के द्वारा किया जाता है, ये जो लड़कियां हैं ये इस कार्य करने के लिए प्रशिक्षित होती हैं, या इस कार्य करने के लिए विशेष प्रशिक्षण इनके द्वारा लिया जाता है, और ये कार्य प्रशिक्षित लड़कियां हैं इनके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे आता है सेकंड नंबर दो, नाभिक निवेशन। नाभिक निवेशन, वैसे तो बाह्य काल सीपी की जो परिवार गुहा है, इस सीपी की परिवार गुहा में मोती निर्माण हेतु बाह्य कारक के रूप में कोई भी वस्तु या कोई भी जो पदार्थ है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुक्ता संवर्धन के अंदर या मुक्ता उद्योग के अंदर जनकस जनकस के कवच के टुकड़ों का इस्तेमाल नाभिक निवेशन के रूप में किया जाता है। ठीक है, वैसे तो अपन जरूरी नहीं है कि कोई एक विशेष पदार्थ ही अपन नाभिक निवेशन के रूप में काम लें, कोई यह कोई जरूरी नहीं होता है। कोई भी बाह्य कारक या कोई भी बाह्य पदार्थ है उसको नाभिक निवेशन के रूप में काम में लिया जा सकता है, लेकिन मुक्ता संवर्धन में मुख्य रूप से जो जनकस है, जनकस के कवच के टुकड़ों का इस्तेमाल है वो नाभिक निवेशन के रूप में किया जाता है। ठीक है, और नाभिक निवेशन है ये एक विशेष विधि के द्वारा नाभिक निवेशन में एक विशेष विधि निशी कोश का इस्तेमाल किया जाता है। जो नाभिक निवेशन है, इस नाभिक निवेशन में निशी कोश जो विधि है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, निशी कोश विधि होती क्या है, इस विधि के अंदर जो सीपी है उस सीपी को एकांतर क्रम में गर्म व ठंडे जल में डाला जाता है। निशी कोश विधि के अंतर्गत जो सीपी है इसको एकांतर क्रम में गर्म व ठंडे जल में डालते हैं, गर्म में फिर ठंडे में फिर गर्म में फिर ठंडे जल में ऐसे डालते हैं, जिससे जो सीपी है ये अपने कपाटों को, अपने जो दोनों कपाट हैं इन कपाटों को खोल देती है। और कपाटों को खोलने के कारण के लिए जो कपाट है वह ऐसे जुड़े हुए होते हैं, अब जैसे इनको एकांतर क्रम में गर्म व ठंडे जल में जाते हैं तो ये अपने कपाटों को खोल देती है। इन कपाट खोलने के पश्चात एक बांस के टुकड़े के द्वारा, एक छोटे बांस के टुकड़े को इनके कपाटों के मध्य में फंसा दिया जाता है, यानी जो कपाट है इन कपाटों के मध्य में एक छोटा बांस का टुकड़ा लगा दिया जाता है ताकि ये कपाट बंद ना हो। उसके बाद इनकी जो परवार झिल्ली होती है, यानी इसके कवच के भाई जो कवच है या जो कपाट है इसके अंदर उपस्थित होते हैं परवार झिल्ली, इस परवार झिल्ली के अंदर चीरा लगाया जाता है, परवार झिल्ली में एक चीरा लगाया जाता है, और चीरा लगा करके इसके अंदर नाभिक निवेशक को प्रवेश करा दिया जाता है, और उसके बाद में जो सीपी है उसके जो सीपी के कपाटों के बीच में जो बांस के टुकड़ा था, बांस की छोटी लकड़ी अपने लगाई थी उसको हटा दिया जाता है, जिससे सीपी अपने कपाटों को बंद कर लेती है। ठीक है, लेकिन ये जो सारी क्रिया है जो निशी कोश विधि के अंतर्गत जो सारी क्रिया है ये केवल 3 मिनट के अंदर, ये संपूर्ण प्रक्रिया है ये 3 मिनट के अंदर ही करनी चाहिए, या 3 मिनट के अंदर ही इसको समाप्त करना चाहिए, क्यों अन्यथा जो नाभिक निवेशन की क्रिया है वो असफल हो जाएगी। ठीक है, एक बार दोबारा देखना, नाभिक निवेशन क्या होता है, नाभिक निवेशक के रूप में कोई भी बाह्य कारक है वो अपन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुक्ता संवर्धन में मुख्यतः जनकस के कवच के टुकड़ों को नाभिक निवेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
अब नाभिक निवेशक के रूप जो नाभिक निवेश दी जाती है वो निसी कोष विधि क्या होती है, इसके अंतर्गत जो सीपी है उसको एकांत क्रम में गर्म व ठंडे जल में डाला जाता है, गर्म में फिर ठंडे में फिर गर्म में फिर ठंडे में, ऐसे करके सीपी को लगातार डालते हैं जिससे सीपी अपने कपाटों को खोल देती है। अब इन कपाटों के मध्य में एक छोटा सा बांस का टुकड़ा लगा दिया जाता है जिससे कि जो सीपी है वो अपने कपाटों को बंद ना कर सके। उसके बाद इनके प्रवाह झिल्ली में एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है और नाभिक निवेशक को उसमें प्रवेश करवा दिया जाता है। उसके बाद बांस के टुकड़े को हटा देते हैं और जिससे जो सीपी है वो अपने कपाटों को बंद कर लेती है। लेकिन ये जो सारी की प्रक्रिया है या निसीकोष जो विधि की जो प्रक्रिया है ये केवल 3 मिनट में ही संपन्न हो जानी चाहिए, या इससे ज्यादा टाइम लेते हैं तो ज्यादा टाइम लेने पर यह विधि असफल हो जाती है, नाभिक निवेशन है वो सफल नहीं हो पाता है। तो ये तो मुक्ता संवर्धन की तकनीक है, उसके अंदर सेकंड काम था नाभिक निवेशन। अब नंबर 3 आता है नाभिक निवेशन के बाद संवर्धन, के बाद संवर्धन। देखिए जैसे ही नाभिक निवेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है उसके बाद सीपी को पिंजरे के अंदर रखकर, उसके बाद जो सीपी है इस सीपी को एक पिंजरे के अंदर बंद करके उसको समुद्र के अंदर 6 मीटर की गहराई में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, नाभिक निवेशन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद उसे एक पिंजरे में रखकर समुद्र के अंदर 6 मीटर की गहराई में रखा जाता है। उसके यानी कि छोड़ने के बाद जो 6 से 8 दिन सीपी के यानी कि जो समुद्र में जैसे ही छोड़ते हैं या फिर ऐसे कह सकते हैं नाभिक निवेशन के 6 से 8 दिन के बाद जो इसका घाव है ये घाव सूखने लगता है या घाव भरने लगता है। अब 6 से 8 दिन तक ये घाव इसका भर जाता है और भरने उसके बाद ये 6 से 8 दिन के बाद इस पिंजरे को बाहर निकाल लिया जाता है और इस सीपी का निरीक्षण किया जाता है। जैसे ही नाभिक निवेशन की क्रिया हुई उसके बाद सीपी को पिंजरे में रखकर समुद्र में 6 मीटर की गहराई में छोड़ दिया जाता है। उससे 6 से 8 दिन तक वो घाव भर जाता है, फिर पिंजरे को निकाल करके सीपी का निरीक्षण किया जाता है। जो सीपियां मर जाती हैं या डेड हो जाती हैं उनको अलग कर दिया जाता है और उसके बाद जो शेष सीपी होती है उनको वापस पिंजरे में बंद करके समुद्र के अंदर 3 से 6 वर्ष तक के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसमें मोती का निर्माण हो जाता है। अब नंबर 4 आते हैं नाभिक निवेशन के बाद संवर्धन के बाद आता है मोती प्राप्त करना। 3 से 6 वर्ष के पश्चात सीपी के अंदर मोती का निर्माण हो जाता है और मोती निर्माण होने के पश्चात उनसे मोती प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे ही उनसे मोती का निर्माण हो जाता है उनसे मोती प्राप्त कर लिया जाता है, लेकिन मोतियों को निकालने का जो समय होता है वो दिसंबर से, यानी ये जो कार्य है वो दिसंबर से फरवरी के मध्य ही किया जाता है। इन मोती है वो सीपियों से दिसंबर व फरवरी के मध्य तक ही प्राप्त किया जाता है। उसके पश्चात इन सीपियों से मोती प्राप्त करने के पश्चात जो प्राप्त मोती होते हैं इन मोती को साबुन की सहायता से उसको धोते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने मुक्ता संवर्धन की तकनीक। सबसे पहले था सीपियों को एकत्रित करना, उसके बाद नाभिक निवेशन निसीकोष विधि के द्वारा किया जाता है, उसके बाद नाभिक निवेशन के बाद संवर्धन और लास्ट में उनसे सीपी से मोती प्राप्त करना। जैसे ही सीपी से मोती प्राप्त कर लिया जाता है उसके बाद उसको साबुन की सहायता से धोया जाता है।
अब बेटा लास्ट अपना टॉपिक आता है इसका, मोती का रासायनिक संगठन। मोती का रासायनिक संगठन, मोती का रासायनिक संगठन। देखिए जो मोती है वो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। तो इसके अंदर मोती के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी मात्रा है वो 90% होती है। जो जल है, जल इसके अंदर 3 से 4% जल उपस्थित होता है। इसके अलावा अन्य कार्बनिक पदार्थ, अन्य कार्बनिक पदार्थ, अन्य जो कार्बनिक पदार्थ है ये 3.5 से 5.9% है, ये मोती के अंदर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो अन्य पदार्थ होते हैं, इसके अन्य पदार्थ ये 0.1 से 0.8% है, ये अन्य पदार्थ के रूप में भी पाए जाते हैं। मोती का रासायनिक संगठन है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट 90%, जल 3 से 4%, अन्य कार्बनिक पदार्थ 3.5 से 5.9% और अन्य पदार्थ के रूप में अन्य पदार्थ हैं 0.1 से 0.8% पाए जाते हैं। ये है मोती का रासायनिक संगठन। ठीक है बेटा, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।